नेक्स्ट है इन YDSC यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स इज स्मॉल डी बाई थ्री एंड डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड स्लिट इज 3D. नंबर ऑफ फ्रिंजेस इज 1/3 मीटर ऑन स्क्रीन फॉर्म्ड बाय मोनोक्रोमेटिक लाइट और वेवलेंथ 3 लैम्डा इज इक्वल टू व्हाट. तो आपको इसमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ फ्रिंजेस निकालनी है. एक चीज तो आपको पता होगी कि जो बीटा है उसका फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा बड़ा डी बाय छोटा डी. बड़े डी की जगह 3 कैपिटल डी और स्मॉल डी की जगह स्मॉल डी बाय 3 पुट कर लेना. स्क्रीन की जो लेंथ है वो कितनी गिवन है, 1/3. स्क्रीन की लेंथ 1/3 इसकी वैल्यू गिवन है. अगर एक फ्रिंज की विड्थ बीटा है तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस की वैल्यू क्या होगी, 1/3 डिवाइडेड बाय बीटा. ठीक है ना, एक फ्रिंज की विड्थ अगर बीटा है तो टोटल जो स्क्रीन की लेंथ है वो 1/3 है. 1/3 में कितनी फ्रिंजेस आएंगी, उसके लिए 1/3 डिवाइडेड बाय क्या करना है आपको, बीटा. पॉइंट क्लियर है यहां तक, तो बताओ क्या आंसर होगा इसमें, क्योंकि इसमें यही करना है ना. नंबर ऑफ फ्रिंजेस का मतलब एक फ्रिंज की विड्थ पता है, 1/3 टोटल डिस्टेंस है जिसके ऊपर फ्रिंजेस बनने वाली हैं, उस 1/3 को डिवाइड कर देना है बीटा से, निकालो आंसर क्या आएगा. तो इसमें पहले बीटा निकाल लो, लैम्डा डैश डी डैश बाय स्मॉल डी, दैट इज इसके अंदर लैम्डा डैश की जगह 3 लैम्डा क्वेश्चन में गिवन है, लैम्डा की जगह 3 लैम्डा, डी डैश की जगह 3D क्वेश्चन में गिवन अगेन, एंड स्मॉल डी डैश की जगह डी बाय 3. तो ऑब्वियसली ये सारी वैल्यूज आपको गिवन है. यहां से आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, बीटा की वैल्यू आ गई, तो इतना बीटा आपको गिवन है. ये बीटा 1/3 हाइट पे बन रहा है, तो मैं ऐसा कर सकता हूं, नंबर ऑफ फ्रिंजेस के लिए 1/3 डिवाइडेड बाय बीटा कर सकता हूं, और जैसे ही मैं 1/3 अपॉन बीटा करूंगा मेरे पास सी ऑप्शन जो भी है आंसर आ जाएगा. मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कैसे स्क्रीन की अगर हाइट गिवन है, बीटा आपको गिवन है, नंबर ऑफ फ्रिंजेस निकालने के लिए आप कैसे डिविजन से इसका आंसर निकालोगे. नेक्स्ट देखते हैं, सोडियम लाइट हैज अ वेवलेंथ ऑफ, ये क्वेश्चन आपको अजीब लगेगा पढ़ने में पर ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है. देखो जरा क्या आंसर होगा इसका. देखो इसमें क्या है, सोडियम लाइट हैज अ वेवलेंथ ऑफ 589 नैनोमीटर एंड 589.6 नैनोमीटर, दो वेवलेंथ है, लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2. यानी कि एक जहां ये जो सोर्स है, नॉर्मली सोर्स की वैल्यू 1 होती है कि एक ही लैम्डा निकलता है, इसमें एक ही सोर्स से कितने लैम्डा निकल रहे हैं, 2 निकल रहे हैं. एंड एज द पाथ डिफरेंस इंक्रीजेज विजिबिलिटी इज मिनिमम एट व्हाट. तो मेरे को ये बताना है अगर मैं पाथ डिफरेंस बढ़ा दूं इनका, पाथ डिफरेंस बढ़ाने का मतलब कि दो लाइट्स आ रही हैं और दोनों में अगर मान लो मेरे यहां से लाइट चलती है इसके ऊपर पहुंचती है, दूसरी लाइट भी मेरे यहां से चलती है इसके ऊपर पहुंचती है, तो ऑब्वियसली पाथ डिफरेंस में क्या होगा, 0 ही होगा. पर अगर मैं दो सोर्सेस और जहां वो लाइट्स मिल रही हैं उनमें पाथ डिफरेंस बढ़ा दूं तो क्या होगा, डिपेंड करेगा कब क्रेस्ट ट्रफ पे गिरेगा. अगर तो क्रेस्ट ट्रफ पे गिर गया तो मैं ये बोल सकता हूं कि दे विल कैंसिल ईच अदर, मिनिमा होगा, और जब क्रेस्ट पे गिर गया इसका मतलब वहां पर मैक्सिमा होगा, कुछ भी हो सकता है. तो वो बोल रहा है कि जब भी आपकी विजिबिलिटी मिनिमम कब होगी, विजिबिलिटी मिनिमम का मतलब मिनिमा, और कौन सा मिनिमा, पहला मिनिमा. तो आपका पहला मिनिमा कब होगा, आपको पाथ डिफरेंस बताना है, डिस्टेंस क्या होगा. क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, क्वेश्चन में दो सोर्सेज नहीं है, प्लीज दो सोर्सेज होते फिर तो बात ही क्या था, फिर तो मुझे पता था एक सोर्स यहाँ एक, उसने बोला ही नहीं दिस इज नॉट अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जिसमें दो सोर्सेज हैं, इसमें एक ही पॉइंट से दो वेवलेंथ निकल रही हैं, एक स्क्रीन पे जाके मिल रही हैं, और आपको इसमें क्या निकालना है, आफ्टर इंटरफेरेंस आपकी विजिबिलिटी मिनिमम कब होगी. तो इसको करने के लिए एक चीज समझो कि विजिबिलिटी मिनिमम कब होगी, जब आपका क्या होगा कि क्रेस्ट दूसरे के ट्रफ के ऊपर गिरेगा, तो विजिबिलिटी क्या होगी, मिनिमम होगी, पहली बात. अब सोचो एक वेव और दूसरी वेव ने अगर मान लो एक मिनट के लिए, वो बोल रहा है कि पाथ डिफरेंस बढ़ गया, एक्चुअल में अगर मेरे और इसके बीच में डिस्टेंस सेम भी है तो भी पाथ डिफरेंस बढ़ने का मतलब समझते हो क्या है, क्योंकि हमारा लैम्डा डिफरेंट है, और अगर हमारा लैम्डा डिफरेंट है तो हमारी फ्रीक्वेंसी भी डिफरेंट है, हमारा अगर लैम्डा डिफरेंट है तो हमारी फ्रीक्वेंसी भी डिफरेंस है. अब फ्रीक्वेंसी में अगर डिफरेंस है और मेरे को पहली मिनिमम की वैल्यू निकालनी है,
तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर एक लाइट ने एक्स डिस्टेंस कवर किया, दूसरी ने भी एक्स डिस्टेंस कवर किया, लेट से मैं बता रहा हूँ एक ही सोर्स है जो दो लाइट्स निकाल रहे, एक ही पॉइंट है जहां पर लाइट मिल रही है, तो भी मिनिमा हो सकता है क्योंकि दोनों की फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस है, दोनों की वेवलेंथ में डिफरेंस है। ये बात समझते हो कि दोनों की वेवलेंथ में डिफरेंस होने का मतलब किसी का क्रेस्ट चल रहा है, किसी का ट्रफ चल रहा है, एक जैसी वेव्स नहीं चल रही। यहां तो क्लियर है। तो इसमें क्या होगा कि अगर एक पॉइंट पर दो वेव्स मिल रही हैं, तो उस केस में मैं क्या कह सकता हूं, उस केस में आपका दोनों ने एक्स डिस्टेंस कवर किया, एक्स अपॉन लैम्डा वन किसकी वैल्यू देगा आपको? अगर मैं एक्स को लैम्डा वन से डिवाइड करूं तो क्या होगा? लैम्डा का मतलब वेव की लेंथ और एक्स का मतलब टोटल डिस्टेंस। ये देखो, ये एक्स है, ये वेवलेंथ है लैम्डा। लैम्डा अगर मैं एक्स को लैम्डा से डिवाइड करूं तो क्या आएंगी? नंबर ऑफ वेव्स ही आएंगी। ठीक है, एक क्रेस्ट और एक ट्रफ, एक वेव का चल रहा है, इसका मतलब वेवलेंथ है। आदित्य नैन, नंदिनी, एकदम सारांश, सुयश, वर्षा, यथार्थ, एक्स अपॉन लैम्डा वन आपको क्या दे रहा है? नंबर ऑफ वेव्स पहली लाइट के या पहली सोडियम लाइट के, और एक्स अपॉन लैम्डा टू भी आपको क्या दे रहा है? नंबर ऑफ वेव्स जो सेकेंड लाइट जनरेट करेगा। और मिनिमा कब आएगा? जब एक का क्रेस्ट होगा और दूसरे का ट्रफ होगा तो मिनिमा आएगा। या फिर फेज डिफरेंस कितना होगा? पाई होगा। फेज डिफरेंस पाई का मतलब एक, अगर मान लो एक वेव और दूसरी वेव में फेज डिफरेंस ऑफ पाई है, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि फेज डिफरेंस पाई का मतलब कि एक का क्रेस्ट चल रहा है तो दूसरे का ट्रफ चल रहा है। या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूं फेज डिफरेंस ऑफ पाई का मतलब कि दोनों की वेव में आधी वेव का फर्क है, हाफ वेव। हाफ वेव क्यों? क्योंकि अगर एक वेव चल रही है कुछ इस तरीके से, यानी, और दूसरी वेव अगर चल रही है कुछ इस तरीके से यानी, तो ऑब्वियसली ये वेव और ये वेव बराबर नहीं है। इसका ये स्टार्टिंग पॉइंट है, इसका ये स्टार्टिंग पॉइंट है, और दोनों में इसका फर्क है, हाफ वेव का फर्क है। हाफ वेव का मतलब कि नंबर ऑफ वेव जब मैं माइनस कर रहा हूं, फर्स्ट सोडियम लाइट के लिए नंबर ऑफ वेव्स है, सेकंड सोडियम लाइट के लिए नंबर ऑफ वेव्स है, नंबर ऑफ वेव्स का डिफरेंस क्या होगा यहां पर? हाफ होगा। ठीक बोल रहा हूं यहां तक? तभी तो आपका पहला मिनिमा आएगा। दूसरा मिनिमा कब आएगा? जब ये डिफरेंस 3/2 होगा, डेढ़ होगा, 1.5, क्योंकि एक वेव के बाद तो इसमें वन वेव एड कर देते हैं, तो 1 + 1/2 = 3/2। तो कहने का मतलब यहां पर सॉल्व करके एक्स की वैल्यू आ गई, दोनों लैम्डा आपको गिवन है, दोनों लैम्डा की वैल्यू आपने पुट कर ली, और क्या निकाल लिया आपने? पाथ डिफरेंस की वैल्यू निकाल ली। पाथ डिफरेंस का मतलब इसमें मेरे ख्याल से पाथ डिफरेंस वर्ड गलत है, पाथ यूज करना चाहिए था वर्ड, पाथ। पाथ मींस रास्ता। पाथ डिफरेंस से कंफ्यूजन हो रही है, ऐसा लग रहा है कि जैसे दो वेव्स ट्रेवल कर रही है अलग अलग रास्तों पे, और मैं उसका डिफरेंस निकाल रहा हूं, जबकि मैं क्या कर रहा हूं, रास्ता वही है लेकिन वेव की फ्रीक्वेंसी या वेव की वेवलेंथ चेंज कर रहा हूं। नॉर्मली वेव की वेवलेंथ चेंज नहीं होती इंटरफेरेंस में, इंटरफेरेंस में वेव की वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी क्या होती है? सेम होती है। बात वही पर है, या तो आप वेवलेंथ चेंज कर लो तो भी मिनिमम मैक्सिमम हो जाएगा, या फिर वेवलेंथ चेंज मत करो, पाथ डिफरेंस चेंज कर लो तो भी मैक्सिमम मिनिमम कैन बी जनरेटेड। तो इस क्वेश्चन का मोटिव यही था, एक्स को सेम रखे, लैम्डास को चेंज करके नंबर ऑफ वेव का डिफरेंस निकाल के आपको एक्स की वैल्यू बताना कि दोनों जो स्क्रीन का पॉइंट है और जो सोर्स है उनके बीच में एक्जैक्टली डिस्टेंस कितना है, उसको वो पाथ बोलते हैं, पाथ निकालना था। थोड़ा सा कंफ्यूजन है वैसे क्वेश्चन में, मतलब थोड़ा सा पढ़ो तो अजीब सा लगता है क्वेश्चन, उस टाइम समझना मुश्किल है। अगर पहले नहीं किया होगा तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता, अगर ये भी पहले क्वेश्चन नहीं किया होगा ये भी 100% सॉल्व नहीं होगा, और हमने ये पहले किया नहीं होगा, इसको सॉल्व करके देखो। और ये आया हुआ क्वेश्चन है, ये क्यों? इस जैसे बहुत सारे क्वेश्चन ये ट्रिपल में आए हुए हैं, अगर एक कर लोगे बाकी सारे ठीक हो जाएंगे। चेक करो, विजिबल है, बड़ा करो, शेयर,
experiment, two equally bright slits are coherent, but of phase difference pi by 3. So, coherent source and phase difference dono ke beech mein pi by 3 hai. If maximum intensity on the screen is I naught, maximum intensity, dono waves mil gayi. Maine ye to suna hua hai, ye maximum amplitude kya hoga? Halanki maine maximum intensity bhi suni hui hai, a plus b ka whole square, amplitude ki form mein. The intensity at a point on the screen equidistant from the slits is what? तो आपको ये बताना है कि अगर मैक्सिमम इंटेंसिटी आई नॉट है तो इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन द स्क्रीन इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द स्लिट्स क्या होगा? सी होगा। रादर इस क्वेश्चन को चलो एक बार पढ़ो, क्वेश्चन को सी आंसर है, कई लोग बोल रहे हैं, चेक करते हैं। ऐसे ऐसे एक स्टेटमेंट होना आंसर इसमें सही नहीं आएगा अगर ये स्टेटमेंट होगी। अब ऐसे सॉल्व करो, द इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन द स्क्रीन इक्विडिस्टेंट हटा दो, स्क्रीन वेयर फेज डिफरेंस इज पाई बाय 3 इज, फेज डिफरेंस पाई बाय 3 है ना, एक वेव जा रही है दूसरी वेव जा रही है, दोनों में पार्ट डिफरेंस है, दोनों में फेज डिफरेंस है। तो जब उनका फेज डिफरेंस दो वेव्स का पाई बाय 3 है तो बताओ उस पॉइंट पर इंटेंसिटी क्या होगी। मैं आपको यह बता सकता हूं कि जहां पर भी मैक्सिमम इंटेंसिटी की वैल्यू आती होगी, शायद सेंट्रल पॉइंट पर आती होगी, जहां पर भी आती होगी, मैक्सिमम इंटेंसिटी की वैल्यू आई नॉट है, आई नॉट की फॉर्म में मुझे फिर से इंटेंसिटी निकाल के दो। लेकिन वो इंटेंसिटी आपको कहां निकालनी है, वो इंटेंसिटी कहां निकालनी है, जब फेज डिफरेंस किसी पॉइंट पर कितना पाई बाय 3। यहां तक सबको क्लियर है, क्वेश्चन समझ आ रहे हैं अमृता कार्तिका? तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, एक वेव जा रही है यहां से, एक वेव जा रही है यहां से, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है पाई बाय 3, बताओ यहां पर आई की वैल्यू क्या होगी, ये क्वेश्चन है, ठीक है ना? यहां तक मतलब जब फेज डिफरेंस दोनों के बीच में पाई बाय 3 है। इसको करने का एक तरीका है और सारे क्वेश्चन आपने ऐसे ही करने हैं जैसे मैं आपको बताने जा रहा हूं। इस फॉर्मूले को प्लीज जरा ध्यान से देख लो पहले, फिर सॉल्व करना क्वेश्चन। हमने ये किया हुआ है, इंटरफेरेंस में सोर्सेज क्या होते हैं, कोहरेंट होते हैं, कोहरेंट सोर्सेज की कंडीशन होती है इंटेंसिटी की, हमने की हुई है थ्योरी में की थी याद है, इंटेंसिटी की क्या कंडीशन थी, 4I0 cos² φ/2, याद है? यहां तक कंडीशन फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पढ़ लो, वेव ऑप्टिक्स में ए चैप्टर में गिवन है कंडीशंस फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस, और ये दिस इज द कंडीशंस फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस जिसमें इंटेंसिटी की वैल्यू एट एनी पॉइंट ये गिवन है, ठीक है? आता वेयर 4I0 इज आई मैक्स, मतलब ऑब्वियसली जो कॉस के आगे टर्म होगी वो मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी, और मैक्सिमम इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी है, 4 times I0, यहां तक क्लियर है? तो इसको 4I0 में लिखेंगे, इसको सिंपली क्या लिखेंगे, सिर्फ आई मैक्स। तो याद रखना कोई भी न्यूमेरिकल ऐसा आएगा इंटेंसिटीज के ऊपर, इंटेंसिटी निकालो किसी पॉइंट पर, जब फेज डिफरेंस पाई बाय 3 है, पाई बाय 6 है, कुछ भी, तो आपने ये फॉर्मूला लगाना है जो सबसे एंड में लिखा हुआ है, I इज I मैक्स cos स्क्वायर 5/2, याद है? क्लियर है? इसमें मैं I मैक्स पता क्यों लिख रहा हूं, I नॉट क्यों नहीं लिख रहा, क्योंकि कंफ्यूजन है। काफी लोग ये सोच रहे होंगे कि I नॉट का मतलब तो मैक्सिमम इंटेंसिटी होता है, बिल्कुल गलत। I नॉट का मतलब कब मैक्सिमम इंटेंसिटी था, I नॉट का मतलब तो इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट सोर्स था, और I नॉट का मतलब इंटेंसिटी ऑफ सेकंड सोर्स था। मैंने जब ये टॉपिक करवाया था उसमें बिल्कुल भी नहीं कहा था कि I नॉट का मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी है। मैंने जब ये टॉपिक ये जो करवाया था उसमें मैंने ऐसे बोला था, I इज इक्वल टू I1 + I2 + 2√I1 I2 × cos(φ), ऐसा फॉर्मुला था ना, सबको क्लियर है यहां तक? मैंने कहा था कि I1 की जगह I नॉट पुट कर लो, I2 की जगह I नॉट पुट कर लो, 2 times I0 × I0 पुट कर लो, कुछ ऐसे, तब ये फॉर्मुला आया था ना। तो क्या मैंने ऐसा कहा था I नॉट का मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी है, बिल्कुल भी नहीं। I नॉट का मतलब क्या है, सिंपल इंटेंसिटी। तो इसका मतलब क्या हुआ, I नॉट इज नॉट मैक्सिमम इंटेंसिटी, 4I0 कैन बी अ मैक्सिमम इंटेंसिटी बिकॉज कॉस के आगे जो भी टर्म होती है या साइन के आगे जो भी टर्म होती है किसी मैथमेटिकल इक्वेशन में वो क्या होती है, वो मैक्सिमम टर्म होती है। तो इसलिए प्लीज ये फॉर्मूला मत याद करना ये वाला, अब ये फॉर्मूला याद करो मैक्सिमम इंटेंसिटी का, ये फॉर्मूला याद रखना। अब क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए आपको क्या दे दिया कि
the maximum intensity is I naught. हमें लगा I naught तो वही टर्म है जो हमारे टॉपिक में I naught, I1 is equal to I2 is equal to I naught है, जबकि ये तो है नहीं. तो कंफ्यूजन के लिए क्या कर दिया, क्रिएट I naught is the maximum intensity. मतलब इस टॉपिक में I max की जगह पुट करेंगे I naught. इसका मतलब क्या हुआ, जो मैं आपको फॉर्मूला करवा रहा हूं उस फॉर्मूले में मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, आप फॉर्मूला लगाना वही वाला जो मैंने आपको बताया, आई इज आई मैक्स कर लेते हैं इसके पैर में, आई मैक्स कॉस स्क्वायर 5/2, ये फॉर्मूला सबको याद हो गया. अब आई मैक्स की जगह क्वेश्चन में क्या गिवन है, आई नॉट गिवन है. फाई की जगह क्या गिवन है, 60/2, फाइव कितना पाई बाय, अच्छा 60 डिग्री, फाइव का मतलब 60 डिग्री गिवन है, और 2 तो वैसे ही मैथमेटिकल इक्वेशन में आ रहा है, कॉस स्क्वायर 5/2, फाइव की जगह 60 डिवाइडेड बाई 2 आंसर आ गया. कहने का मतलब अगर कल को इंटेंसिटीज के ऊपर क्वेश्चन आएंगे कुछ ऐसे, फाइव गिवन हो इंटेंसिटी निकालना हो तो ये फॉर्मूला यूज करना है. क्लियर है सबको यहां तक, ये बात समझ आ रही है कि इसमें आपने यही फॉर्मूला यूज करना है जिसमें आई मैक्स की जगह आपने पुट कर लेना है आई नॉट, और कॉस ऑफ स्क्वायर फाइव की जगह आपने पुट कर लेना है पाई बाई 3 जो भी है डिवाइडेड बाई 2, ये आंसर है आपका. ठीक है यहां तक, कोई डाउट किसी को इसमें, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, नोट भी कर सकते हो. नेक्स्ट है टू निकल्स आर ओरिएंटेड विद देयर प्रिंसिपल प्लेन्स. निकल प्रिज्म वर्ड यूज करेगा आपके इस वेव ऑप्टिक्स में, और निकल प्रिज्म का मतलब ये वो प्रिज्म है जो लाइट को पोलराइज कर देता है, टॉरमलाइन क्रिस्टल का बना होता है ये, जो लाइट को पोलराइज कर देगा. तो निकल्स समझ, मतलब समझ लेना पोलराइजेशन का क्वेश्चन है. तो टू निकल्स आर प्लेस्ड विद देयर प्रिंसिपल प्लेन्स मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, देन परसेंटेज ऑफ इंसिडेंट अनपोलराइज लाइट विच पासिस थ्रू सिस्टम इज व्हाट. तो कह रहे हैं कि ठीक है दो निकल्स हैं और दो निकल्स आर मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री. मैलस लॉ याद आ रहा है, मैलस लॉ लगेगा इस पे साफ साफ, दो एक पोलराइजर एक्ट करेगा एक एनालाइजर, तो फाइनल लाइट कितनी बाहर निकलेगी, आई इज कितनी आई नॉट कॉस स्क्वायर 5. ठीक लगा दो आंसर, तो क्या होगा परसेंटेज में आंसर होगा, तो आप ये इमेजिन कर सकते हो कि अनपोलराइज लाइट कितनी एंटर कर रही है 100, परसेंटेज कितनी 12.5. चेक करते हैं, इसमें एक छोटी सी कंफ्यूजन है. अभी क्वेश्चन पूछा है कि अभी जो हमने किया था फॉर्मूला आई इज आई 4 आई नॉट कॉस स्क्वायर 5/2, उसमें आई नॉट क्या था, मैंने बोला था मैक्सिमम इंटेंसिटी नहीं लेनी. अब वो एक स्टूडेंट का ये क्वेश्चन है तो फिर मैलस लॉ में आई नॉट क्या है, वो मैक्सिमम इंटेंसिटी है, क्योंकि मैलस लॉ और इंटरफेरेंस दो अलग अलग टॉपिक्स हैं. ठीक है ना, तो आपने कंफ्यूज नहीं करना उस इंटरफेरेंस के टॉपिक को मैलस लॉ के साथ. हाँ, मैलस लॉ में आई नॉट मैक्सिमम इंटेंसिटी है, इंटरफेरेंस में आई नॉट कोई भी इंटेंसिटी है. ठीक है ना यहां तक. तो इसमें सपोज करो लेट द इंसिडेंट लाइट इज 100, इंटेंसिटी ऑफ लाइट फ्रॉम फर्स्ट प्रिज्म इज आई नॉट बाई 2, दैट इज 50. समझ आ गया क्यों,
किया था स्पेशल केस, अगर अनपोलराइज लाइट एंटर करती है किसी भी प्रिज्म में तो कॉस स्क्वायर फाइव की एवरेज वैल्यू हाफ होती है, तो इंटेंसिटी की वैल्यू डिस्कस की थी आई नॉट बाय टू होती है। ये मत सोचना कि ये मैलस लॉ सेकंड प्रिज्म के लिए लगेगा, फर्स्ट के लिए क्यों नहीं लगेगा। तो ये मैलस लॉ दो बार लगता है, एक बार लगता है फर्स्ट प्रिज्म पे, दूसरी बार लगता है सेकंड प्रिज्म पे। फर्स्ट प्रिज्म पे बड़ा सिंपल है, फर्स्ट प्रिज्म का में से जब अनपोलराइज लाइट आ रही है तो उसका हर एंगल बन रहा है, हर एंगल का मतलब cos, जब मैं मैलस लॉ लगाऊंगा, हमने स्पेशल केस किया था आई इज आई नॉट कॉस स्क्वायर फाई, कॉस स्क्वायर फाई की एवरेज वैल्यू क्या लेंगे 360 डिग्री के लिए हाफ, तो कितनी लाइट बाहर निकलेगी आई नॉट बाय टू। तो पहले प्रिज्म में से लाइट बाहर निकल गई, एंटर की थी आई नॉट, तो बाहर कितनी निकली आई नॉट बाय टू, या एंटर की थी 100 तो बाहर कितनी निकली 50, बस परसेंटेज की फॉर्म में 50। अब यही लाइट किस प्रिज्म में जाएगी, सेकंड प्रिज्म में। अब सेकंड प्रिज्म को सॉल्व करने के लिए क्या किया जाएगा, फर्स्ट प्रिज्म के साथ उसका एंगल देखा जाएगा। अब फर्स्ट प्रिज्म के साथ उसका एंगल कितने 60, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं ना आई इज आई नॉट कॉस स्क्वायर 60। अब इसमें आई नॉट कितना होगा 50, क्योंकि जो सेकंड प्रिज्म है उसको क्या मतलब कि फर्स्ट प्रिज्म के अंदर कितनी लाइट आई थी, सेकंड प्रिज्म को ये मतलब है कि उसके अंदर कितनी मैक्सिमम लाइट आ रही है, तो सेकंड प्रिज्म में कितनी लाइट एंटर कर रही है 50। पहले प्रिज्म में 50 थी, सेकंड में एंटर कर रही है, और सेकंड प्रिज्म का फर्स्ट प्रिज्म के साथ एंगल कितना है 60, कॉस स्क्वायर 60, आंसर 12.5। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, तो अगर मैलस लॉ का क्वेश्चन आएगा तो ये क्वेश्चन आए हुए तो कंफ्यूज नहीं होना। कई लोग क्या करेंगे, सेकंड और फर्स्ट के बीच में एक ही बार लगाएंगे मैलस लॉ। अगर मैं आपको ना बताता तो शायद आप में से आधे लोग एक ही प्रिज्म पे लगाते कि 60 डिग्री, तो फटाफट 100 इंटू कॉस स्क्वायर 60 आंसर, और उसका ऑप्शन भी होगा इसमें जरूर। बट पॉइंट क्लियर है, आपने पहले फर्स्ट प्रिज्म पे लगाने और फिर सेकंड प्रिज्म पे लगाने। बोलो, इसमें पूछा है परसेंटेज ऑफ इंसिडेंट अनपोलराइज लाइट विच पासिस थ्रू द सिस्टम। पहले तो अनपोलराइज थी, पासिस का मतलब पोलराइज हो चुकी है, अंडरस्टूड है, तभी पास होगी जब वो पोलराइज हो चुकी है। अमाउंट ऑफ लाइट विच पासिस थ्रू द सिस्टम, पता नहीं कितनी पोलराइज, पता नहीं कितनी अनपोलराइज, ज्यादा क्लियर है। नेक्स्ट देखो, मैंने वैसे ये ट्रू एंड फॉल्स बना दी है, बट था ये ऑब्जेक्टिव, बहुत बड़े ऑप्शन है इसके, तो मैंने ट्रू एंड फॉल्स में कन्वर्ट किया। इसे क्वेश्चन है कि बीम ऑफ लाइट ए ओ इज इंसिडेंट ऑन अ ग्लास स्लैब ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.54। गिवन लाइट आ रही है, हिट करती है, टकराती है और चली जाती है, पर क्योंकि ये ग्लास है, कुछ लाइट टकरा के चली जाती है, कुछ लाइट ग्लास के अंदर एंटर कर जाती है, ठीक है, जो बताया नहीं गया बट अंडरस्टूड है। रिफ्लेक्टेड रे ओ बी इज पास थ्रू अ निकल प्रिज्म, अगेन एक प्रिज्म है जिसमें से पास किया जा रहा है, जो पोलराइजेशन करेगी। ऑन व्यूइंग थ्रू द प्रिज्म वी फाइंड ऑन रोटेटिंग थ्रू द प्रिज्म दैट इंटेंसिटी ग्रेजुअली रिड्यूसेस टू, जैसी प्रिज्म में से वो लाइट पास की गई इंटेंसिटी ग्रेजुअली रिड्यूसेस टू जीरो एंड देन इंक्रीजेस अगेन। ठीक, ट्रू, एक्चुअली ऐसा था क्वेश्चन, यहां तक था इंटेंसिटी को क्या हुआ, बस इंटेंसिटी, व्हाट हैपेंड टू द इंटेंसिटी। अब ये बहुत बड़े बड़े ऑप्शन थे, मैं क्वेश्चन इतना बड़ा हो जाता, दिखाना मुश्किल हो जाता, तो मैंने ट्रू एंड फॉल्स में कर दिया। मैंने एक सीधा ऑप्शन लिख दिया कि अगर मैं यहां से लाइट आ रही है, टकरा रही है, कुछ अंदर जा रही है, निकल प्रिज्म को रोटेट किया जा रहा है, तो क्या क्या होगा, इस निकल प्रिज्म में से जब लाइट बाहर निकली तो क्या हुआ। इसका आंसर ये था कि पहले लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा थी, फिर धीरे धीरे निकल प्रिज्म को मैंने घुमाना शुरू किया, एकदम जीरो हो गई, फिर इंक्रीज हो गई इंटेंसिटी। हमने मैलस लॉ किया था, लाइट की वेरिएशन कैसे होती है, पहले वो डिक्रीज होती है, जीरो होती है, जीरो कब होती है, जब 90 डिग्री के ऊपर लाइट एंटर करती है, पोलराइजेशन वाई एक्सिस की लॉन्ग हो रही है, आपका प्रिज्म एक्स एक्सिस की लॉन्ग पड़ा हुआ है, तो कहां से लाइट पास करेगी, तो एकदम जीरो, और फिर आप प्रिज्म को घुमाओगे फिर से लाइट इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। आप मैलस लॉ चेक कर सकते हो, आपका यही था ना ग्राफ, पहले नीचे जीरो और फिर ऊपर, ठीक है यहां तक। पर वो मैलस लॉ का ग्राफ तो तब बनता था
जब आपकी लाइट एकदम पोलराइज हो गई, कंप्लीटली पोलराइज, तभी तो एक पॉइंट पर जाके इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी, जीरो, तभी जीरो होगी। अब मुझे चेक करना पड़ेगा कि क्या वाकई में लाइट पोलराइज हुई कि नहीं हुई, उसको चेक करने का एक ही तरीका है, क्योंकि आपकी जो रिफ्रैक्शन है दैट इज अकरिंग या रिफ्लेक्शन इज अकरिंग एट ग्लास मीडियम, तो यहां पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा जिसको मैं पी लिखता था, याद है पोलराइजिंग एंगल पी, तो मैं क्या लिखता था कि ये लाइट कंप्लीटली पोलराइज तब होगी व्हेन म्यू इज इक्वल टू टैन ऑफ पी। ये रूल तो सबको मालूम ही है, अगर म्यू टैन पी के इक्वल है तो बात बन जाएगी। तो मैंने क्या किया, मैंने ये फॉर्मूला लगाया और मैंने देखा कि जब मैंने म्यू इज टैन पी किया तो पी इज टैन इनवर्स 1.4, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस पी की वैल्यू कितनी आई, 57 डिग्री मान लो, 50 टेबल देखने पड़ेंगे आपको उसके ट्रिग्नोमेट्री के, बट चलो मान लो आपका एंगल कितना आ गया 57 डिग्री। आपको यह मालूम पड़ गया कि अगर लाइट एंटर करती है इंसिडेंट एंगल 57 डिग्री पे, तो समझो जाने वाली लाइट कंप्लीटली पोलराइज होगी ही होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, ठीक है यहां तक। और आपको क्वेश्चन के अंदर अगर आप ध्यान से देखो, आपको ये एंगल गिवन था 33 डिग्री, अगर मैं ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो ऑटोमेटिकली ये कितने डिग्री हो जाएगा, इसका मतलब मैच कर गई बात। मैं कह सकता हूं कि ये जो रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन हो रही है वह पोलराइजिंग एंगल पर हो रही है, और अगर ये पोलराइजिंग एंगल पर हो रही है इसका मतलब लाइट कंप्लीटली पोलराइज है, और अगर लाइट कंप्लीटली पोलराइज है तो कंप्लीटली पोलराइज लाइट के आगे अगर आप प्रिज्म को 360 में घुमाओगे तो पहले लाइट ज्यादा होगी, फिर मेलस लॉ अप्लाई करते हुए कम होगी कम होगी कम होगी, जीरो होगी, फिर जीरो ज्यादा 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 और ज्यादा हो जाएगी। बस ये मैथमेटिकली सर ये चेक करना था कि लाइट कंप्लीटली पोलराइज हुई या नहीं हुई। यहां तक सबको क्लियर है, कोई डाउट किसी को इसमें, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं? चेक करने की बात थी सिर्फ कि पूरी तरह पोलराइज हुई कि नहीं हुई, बस वही चेक कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। चलो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन है कि व्हाइट लाइट इज यूज्ड टू इल्यूमिनेट टू स्लिट्स इन YDSE सेपरेशन, the separation between slits is small b and screen is at a distance of chota d, diagram given hai, slits ke beech mein chota d, screen aur slit ke beech mein ye distance small d, ek b hai ek d hai sorry, at a point on the screen directly in front of one of the slit, ye dhyan se padhna light sorry dhyan se padhna statement, at point on the screen directly in front of one of the slit, to ye ek slit hai और ये पॉइंट डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ द स्लिट है, तो आपको क्या करना है, सर्टन वेवलेंथ्स आर मिसिंग, वेवलेंथ्स आर मिसिंग मिनिमा, मतलब वेवलेंथ मिसिंग का मतलब वेवलेंथ नहीं आई, वेवलेंथ कब नहीं आई, यानी कि वेव ही नहीं आई, और अगर वेव नहीं आई तो समझो मिनिमा जनरेट हुआ वहां पर, मतलब ऐसा बोल सकते हैं। वेवलेंथ मिसिंग का मतलब कि वहां पर एक पॉइंट पर मिनिमा जनरेट हुआ, लाइट जनरेट नहीं हुई, कि कोई इसमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया होगा जिस वजह से वेवलेंथ कैंसिल हो गई, मिसिंग हो गई। तो आपको यह बताना है सम ऑफ द वेवलेंथ्स आर मिसिंग, तो बोलो वेवलेंथ कौन सी है, एबीसीडी वैसे आंसर क्या होगा, मतलब आपको यह बताना है कि पहला मिनिमा कब होगा, सेकंड मिनिमा कब होगा, बस ये चेक करना है आपने इसमें। तो इसमें आपको क्वेश्चन समझ आ गया, क्वेश्चन में फिर से रिपीट कर देता हूं, दो स्लिट्स हैं, डिस्टेंस उनके बीच में छोटा पी है, स्लिट और स्क्रीन के बीच में डिस्टेंस स्मॉल डी है, आपको एक स्लिट के एग्जैक्टली ऑपोजिट एक पॉइंट लेना है पी, इस पॉइंट पर मान लो मिनिमा हो रहा है, तो बताओ मिनिमा की कंडीशन कैसे निकलती है, पाथ डिफरेंस बिटवीन देम इज लैम्डा बाय टू, इंटरफेरेंस में पहला मिनिमा कब आता है, पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय टू, दूसरा कब आता है, थ्री लैम्डा, तो पाथ डिफरेंस कैसे निकलता है, पाथ डिफरेंस निकलता है दिस डिस्टेंस माइनस दिस डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस आपको मालूम है अंडर रूट ऑफ क्या, डी स्क्वायर प्लस, और ये डिस्टेंस आपको मालूम है कितना, डी, इन दोनों को अगर माइनस कर दें अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस माइनस डी माइनस ऑफ डी मस्ट बी इक्वल टू क्या बोलूंगा, लैम्डा बाय टू, ठीक बोल रहा हूं मैं यहां तक, क्लियर?
तो अगर ये पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाय टू हुआ या फिर थ्री लैम्डा बाय टू हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है या फिर वो टू एन माइनस वन इंटू लैम्डा बाय टू कुछ ऐसा था ना इन जनरल, तो इसका मतलब ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। कोई डाउट इसमें? कॉन्सेप्ट सबको समझ आ रहा है? तो ये लो, ये मैंने क्या किया इसमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में, सबसे पहले मैंने डिस्टेंस निकाला डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट, ये चेक करना ये वाला डिस्टेंस। इस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? एस टू पी। एस टू पी का मतलब डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेज टू पावर हाफ, ठीक है ना यादव? तो इसको मैंने जब सॉल्व किया, ये रहा डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेज टू पावर हाफ, डी स्क्वायर कॉमन आ गया, ऊपर अंडर रूट चल रहा है तो सिर्फ अकेला बाहर क्या जाएगा डी, ये टर्म आ गई। स्टेप क्लियर है सबको? डेरिवेशन में भी किया था ऐसा स्टेप। फिर मैं बाइनोमियल लगा ली, बाइनोमियल के केस में क्या किया, हाफ को इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, ये आ गया, मल्टीप्लाई किया डी से तो ये आ गया, ठीक है आदर? तो ये डिस्टेंस एस टू पी आ गया। अब मैंने क्या कहा था, मुझे पार्ट डिफरेंस निकालना है, पार्ट डिफरेंस का मतलब ये डिस्टेंस में से क्या माइनस करना है डी, क्योंकि ये तो नीचे वाला डिस्टेंस आया है और ऊपर वाला डिस्टेंस कितना था वेव का डी। सबको पॉइंट क्लियर है यहां वाला, ये चीज क्लियर है ना? ये हमने नीचे का डिस्टेंस निकाला है, ये हमने नीचे का डिस्टेंस निकाला है और ऊपर का डिस्टेंस वेव का कितना था डी। सबको समझ आ रहा है यहां तक? फिर से डायग्राम में दिखाऊं, क्वेश्चन में ये डायग्राम देख लिया आपने? मैं ये बोल रहा हूं कि अगर ये पार्ट डिफरेंस में से ये इस वेव में से ये वेव माइनस करें तो पार्ट डिफरेंस है। ये डिस्टेंस कितना है डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेस टू पावर हाफ, समझ आ गया? इसमें से डी को बाहर निकाल लें, वन प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर रेस टू पावर हाफ कर लें, बाइनोमियल लगा लें, वन प्लस बी स्क्वायर टू डी स्क्वायर, ये चीज क्लियर है, ठीक है ना यादव? डी को मल्टीप्लाई कर ले, डी प्लस बी स्क्वायर अपॉन टू डी, ये लो कर लिया, ठीक, नीचे का डिस्टेंस आ गया। इस डिस्टेंस में से ऊपर का डी डिस्टेंस माइनस कर ले, क्या जाएगा पाथ डिफरेंस। सबको क्लियर है? तो इसमें पाथ डिफरेंस निकाल रहे हैं, ये देखो यही किया, इस डिस्टेंस में से डी को माइनस किया, लेट से क्या आ गया एक्स, एक्स का मतलब पार्ट डिफरेंस, और पार्ट डिफरेंस आ गया बी स्क्वायर अपॉन टू डी, मतलब नीचे का डिस्टेंस माइनस ऊपर का डिस्टेंस बाय ज्योमेट्री इज इक्वल टू पार्ट डिफरेंस। श्रेयर क्लियर है? वेवलेंथ आर मिसिंग मीन मिनिमा, एक पॉइंट पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गई, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में कोई लाइट नहीं आई, मैंने बता दिया ना आपको, इसका मतलब ये समझना, आज के बाद अगर ये आ जाए ना वेवलेंथ आर मिसिंग तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, मैं बता रहा हूं आपको और आपने ऐसे ही मानना है इसे। तभी मैंने क्वेश्चन चूज किया ना आपको थोड़ा बताने के लिए कि ऐसा का वेवलेंथ मिसिंग का मतलब डिस्ट्रक्टिव है। तो यहां तक क्लियर है? पार्ट डिफरेंस निकाल लिया, और ये जो पाथ डिफरेंस है, ये जो पार्ट डिफरेंस है मैंने बताया, ये जो पार्ट डिफरेंस है अगर इन जनरल 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 2 के इक्वल हो जाए, इसका मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब कोई लाइट नहीं आएगी, कोई लाइट ना आने का मतलब क्या, मतलब वेवलेंथ्स आर मिसिंग। इक्वेट कर दिया, n की वैल्यू पुट करो 1, पुट करो 2, आंसर आ गया 3/2 आर सेकंड में। आपको इसमें निकालना है कि आपको इसमें लैम्डा निकालना है, 2 पुट करेंगे क्या आएगा 3/2, 2/3, गलत है क्या? ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? नीचे का डिस्टेंस माइनस ऊपर का डिस्टेंस इज इक्वल टू कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस 2n-1 इंटू लैम्डा बाय 2। यहां तक क्लियर है? कोई डाउट किसी को इसमें? ठीक, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। Okay. फिर से देखो
क्वेश्चन है, इसमें ये कहा जा रहा है ये डी है ये बी है, एक वेव यहां से आई पी पॉइंट पर आई, एक वेव यहां से आई पी पॉइंट पर आई, ठीक। ऐसे ही सिमिलरली एक वेव यहां से आई, मुझे पता नहीं कहां गई, यहां पर गई शायद, फिर यहां पर गई शायद, ऐसे ठीक। यहां पर भी मिनिमा आया, यहां पर भी मिनिमा आया, मिनिमा का मतलब कोई लाइट नहीं आई, कोई लाइट ना आने का मतलब लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां पर, मींस नहीं लेनी आपने वेवलेंथ मिसिंग का मतलब है कि मिनिमा ब्राइटनेस सॉरी डार्कनेस। तो आपने वैल्यू बतानी है कि वेव का लैम्डा क्या हो, वेव का लैम्डा क्या हो कि आपकी वेवलेंथ मिसिंग का मतलब कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाए। तो मैंने ये डिस्टेंस निकाला जो कि मेरे पास क्या आया, डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेज टू पावर हाफ, पाइथागोरस लगा ली, नीचे का डिस्टेंस आ गया। फिर मैंने इसमें से डी बाहर निकाल लिया तो वन प्लस बी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर रेज टू पावर हाफ, फिर मैंने डी वन प्लस बी स्क्वायर टू डी स्क्वायर ऐसे कर लिया, नीचे का डिस्टेंस आ गया। ऊपर का डिस्टेंस भी उनका वैसे डी था, इन दोनों को मैंने माइनस कर लिया, पार्ट डिफरेंस आ गया, पार्ट डिफरेंस टू एंड माइनस वन इंटू लैम्डा बाई टू, वहां से लैम्डा निकाल लिया, वन टू पुट करके, ये वो लैम्डा की वैल्यू था जहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। तो मेरे कहने का मतलब है कि जब आ जाए सर्टन वेवलेंथ आर मिसिंग, इसका मतलब किसकी बात हो रही है, मेरे मां की। बस क्वेश्चन है, अच्छा इन फिगर भी गिवन है, ओके फिगर देनी पड़ेगी इसमें। क्यू इज अ पोजीशन ऑफ फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज ऑन राइट साइड ऑफ ओ, मैं दिखाता हूं अभी कैसे। तो क्यू याद रखना फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज है, पी याद रखना इलेवेंथ फ्रिंज ऑन द अदर साइड, और ब्रैकेट में लिख लेना ब्राइट की बात हो रही है, ये भी ब्राइट की बात हो रही है। तो क्यू का मतलब फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज का पॉइंट है, पी का मतलब इलेवेंथ ब्राइट फ्रिंज का पॉइंट है। लैम्डा की वैल्यू 6000 है, और एक और पॉइंट टू बी नोटेड, इलेवेंथ ब्राइट फ्रिंज है एज मेजर्ड फ्रॉम क्यू, एज मेजर्ड फ्रॉम क्यू याद रखना। देन एस वन बी विल बी इक्वल टू व्हाट, ये देखो मैं आपको डायग्राम से समझाता हूं क्वेश्चन क्या है, डायग्राम जरा ध्यान से देखना। एक पॉइंट एस वन है, एक पॉइंट एस टू है, दो सोर्सेज है, जो मैं जहां जहां पेन लगाऊंगा वही चीज देखना। एस वन एस टू दो सोर्सेज है, ये स्क्रीन है, क्यू इज द पॉइंट ऑफ फर्स्ट ब्राइटनेस, लिख दिया मैंने फर्स्ट ब्राइटनेस, पी इज द पॉइंट ऑफ इलेवेंथ ब्राइटनेस एज मेजर्ड फ्रॉम क्यू, मतलब यहां से यहां अगर काउंटिंग स्टार्ट करते हो तो ये इलेवेंथ ब्राइटनेस आता है। पर कौन कहता है कि काउंटिंग क्यू से स्टार्ट करो, काउंटिंग हमेशा कहां से स्टार्ट होती है, फ्रॉम सेंटर ओ, तो फिर ओ से ये कौन सी ब्राइटनेस हो गई, टेंथ ब्राइटनेस हो गई, ठीक बोल रहा हूं यहां तक, ठीक है। क्यू पॉइंट फर्स्ट मैक्सिमम, तो ठीक है ऐसा कर लो कि ये सेंट्रल पॉइंट है, ये फर्स्ट ब्राइटनेस है और वो इलेवेंथ ब्राइटनेस है, इलेवेंथ ब्राइटनेस अगर यहां से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, पर काउंटिंग वहां से स्टार्ट नहीं होती, काउंटिंग कहां से स्टार्ट होती है, फ्रॉम सेंटर, इसको माइनस कर दो, ये फर्स्ट माइनस किया 11 में से एक गया तो 10, तो एक्चुअल में सेंटर से तो वो 10th ब्राइटनेस है। तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्लियर है। तो अगर ये पॉइंट्स फर्स्ट और 11th ब्राइटनेस जो भी है 10th ब्राइटनेस गिवन है, तो आपको इस क्वेश्चन में वैल्यू निकालनी है किसकी, S1B की, इस डायग्राम में S1B निकालना है। S1B समझते हो, देखो एक वेव P पॉइंट पर चली यहां तक पहुंच गई, दूसरी वेव S2 से लेके P पॉइंट तक यहां पर आ गई, और अगर मैं इन दोनों को माइनस करूं तो इसका मतलब ये डिस्टेंस क्या आ गया मेरे पास, पाथ डिफरेंस। याद है हम ऐसे निकालते हैं पाथ डिफरेंस कि नीचे की वेव ने या ऊपर की वेव ने कितना ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया फ्रॉम नीचे की वेव, और वो मेरा पाथ डिफरेंस है। तो मुझे पाथ डिफरेंस निकालने क्या होगा, पॉइंट क्लियर है यहां तक, बड़ा आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना। मुझे एक चीज पता है, पी पॉइंट का मतलब सेंट्रल पॉइंट से कौन सी ब्राइटनेस है, टेंथ ब्राइटनेस है, ठीक है। ब्राइटनेस है ना, ये ब्राइटनेस का पॉइंट है ना, इंटरफेरेंस में ब्राइटनेस की कंडीशन क्या होती है कि पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू व्हाट, एन लैम्डा।
क्लियर। और अगर पार डिफरेंस एन लैम्डा, इसका मतलब क्या कि टेंथ ब्राइटनेस के लिए क्या होगा, 10 लैम्डा। तो आंसर आ गया 10 लैम्डा। पार डिफरेंस निकाल लें तो पार डिफरेंस इक्वल टू 10 लैम्डा। आपको वही पता करना था ना कि कौन सा पॉइंट है सेंटर से, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि सेंट्रल पॉइंट से कौन सा पॉइंट है टेंथ। उल्टा क्वेश्चन पूछ लेता हूं, चलो दो सोर्सेज हैं, ऐसा कर लो, ऐसे बता दो कि अगर दो सोर्सेज हैं, एक ये एक ये, ये बताओ कि ये जो पॉइंट है पी पॉइंट, पी पॉइंट इज टेंथ ब्राइटनेस गिवन। या फिर ऐसे पूछ लेते हैं कि कंडीशन फॉर ब्राइटनेस क्या होती है एन लैम्डा, तो टेंथ ब्राइटनेस कहां से आएगी? आप बोलोगे एन की जगह 10 पुट कर दो, 10 लैम्डा इज टेंथ ब्राइटनेस। तो बताओ टेंथ ब्राइटनेस का पॉइंट कहां पर है? तो आप बोलोगे सपोज पी इज पॉइंट ऑफ टेंथ ब्राइटनेस, ये टेंथ ब्राइटनेस का पॉइंट है। तो टेंथ ब्राइटनेस का मतलब कि अगर टेंथ ब्राइटनेस है तो इस वेव और इस वेव में पार डिफरेंस की वैल्यू ऑब्वियसली क्या होगी, एन लैम्डा, तभी टेंथ ब्राइटनेस आई। एन की जगह क्या पुट करना है, सिंपली 10। क्लियर, एक ही बात है। मतलब या मैं पी पॉइंट पूछ लू कि कहां पर होगा, अब पार डिफरेंस एन लैम्डा का फॉर्मुला तो एन लैम्डा यूज कर रहे हैं इन एनी केस, तो दो वेव के बीच में पार डिफरेंस जब एन लैम्डा होगा तो ब्राइटनेस है, तो कौन सा ब्राइटनेस, टेंथ ब्राइटनेस। टेंथ का पॉइंट समझ आया ना, 11th नहीं, ये इंपॉर्टेंट है इसमें कि आपने डिस्टेंसेस कहां से लेने हैं, फ्रॉम सेंटर। तो सेंटर से ऑब्वियसली 10th पॉइंट है तो 10 लैम्डा, तो इसका मतलब पार डिफरेंस की वैल्यू सिंपली 10 लैम्डा। लैम्डा क्वेश्चन में गिवन होगा, आपको आंसर आ जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट देखो, देखो मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूं। क्वेश्चन इसमें कुछ ऐसा है, थोड़ा डायग्राम से समझाता हूं, बोल के समझाता हूं, आप एकदम सुनना, सिर्फ पढ़ने की जरूरत नहीं आपको। ये डायग्राम देख लो, इस डायग्राम में सपोज ये लाइट आ रही है जिसकी इंटेंसिटी लेट से आई नॉट है, मान लो आई नॉट है, ठीक है। ये एक सरफेस है जिस पर रिफ्लेक्शन भी हो रही है, रिफ्रैक्शन भी हो रही है। क्वेश्चन में गिवन है कि जब भी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन होती है 25% इंटेंसिटी रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाती है। जैसे इसमें आई नॉट गया, आई नॉट का 25% कितना हो गया, आई नॉट बाय 4। तो इस सरफेस में कितना एंटर कर गया, 3/4 टाइम्स आई नॉट। क्वेश्चन में गिवन है कि 25% लाइट की एनर्जी क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है और बाकी रिफ्रैक्ट हो जाती है। कर दिया। आपको यह बताना है अगर ऐसा होता जाए, जैसा कि ये लाइट पहले नीचे आई, यहां पर रिफ्लेक्ट भी हुई और यहां पर रिफ्रैक्ट भी हुई, फिर यहां पर क्या हुआ, रिफ्रैक्ट भी हुई रिफ्लेक्ट भी हुई, समझ आ रहा है यहां तक? क्योंकि यहां पर मैं इसको रिफ्लेक्शन मानूंगा अंदर की तरफ और इसको क्या मानूंगा, रिफ्रैक्शन मानूंगा, क्योंकि मीडियम क्या हो गया, चेंज। तो बताओ अगर ऐसा चलता जाए तो इंटेंसिटी ए बी पार्ट में जो इंटेंसिटी गई और ए डैश बी डैश पार्ट में जो इंटेंसिटी गई, इसकी रेशियो क्या होगी, ए बी और ए डैश बी डैश में इंटेंसिटी क्या होगी? मैथ्स है, फिजिक्स में कुछ भी नहीं है, तो परसेंटेज का क्वेश्चन है कि जब मैं इन दोनों के पास आता हूँ 25% पैसे इसको दे देता हूँ, 75 इसको दे देता हूँ, फिर मैं नेक्स्ट में आता हूँ इसके 25% में से 25% इसको, 75 इसको, फिर नेक्स्ट में आता हूँ इसके 25% इसको, और तो मैथ्स है, इसमें फिजिक्स का तो फॉर्मूला कोई यूज ही नहीं हो रहा। तो इसमें सिंपली आप कुछ भी करो, इसमें इमेजिन कर लो ना कि लेट से ये आई नॉट आई, राइट, आई नॉट में से रिफ्लेक्ट होकर कितनी गई, आई नॉट बाय 4, 25% का मतलब आई नॉट बाय 4 1/4, तो एंटर कितनी कर गई, 3/4 आई नॉट। अब मान लो यहां पर लाइट आई, यहां रिफ्लेक्ट कितनी कर गई, 1/4 ऑफ क्या, ठीक बोल रहा हूं ना यहां तक, सबको क्लियर है? इसका 25% यहां पर कितनी गई, मेरे को मतलब नहीं, मेरे से पूछा ही नहीं किसी ने, ठीक है ना यहां तक, क्योंकि मैं तो ए बी और बी डैश में इंटरेस्टेड हूं। नेक्स्ट यहां से जब लाइट आ रही है तो यहां कितनी गई, 25% नॉट इंटरेस्टेड, बाहर कितनी गई, 75%, 75% को क्या लिखते, 3/4, तो 3/4 ऑफ 1/4 ऑफ 3/4 ऑफ आई नॉट, यहां तक क्लियर है? ठीक है यहां तक, तो इतनी लाइट ए डैश बी डैश में बाहर निकल गई, ठीक है। आप इसकी इंटेंसिटी और इसकी इंटेंसिटी को डिवाइड कर लेना, आंसर आ जाएगा। इंटेंसिटी की रेशियो निकालनी है ना, तो दोनों परसेंटेज लगाते गए हर पॉइंट पर, तो जो इंटेंसिटी ए बी में आई थी, जो इंटेंसिटी ए डैश बी डैश में आई थी, उन दोनों इंटेंसिटीज को आपने क्या कर लेना है, डिवाइड। क्लियर है?
कुछ नहीं, ठीक। कई बुक्स में ऐसा न्यूमेरिकल मैंने देखे हैं कि इसका बी पार्ट ऐसा बनना चाहिए कि मान लो ए बी में लाइट आ गई आई नॉट बाई फोर, ए डैश बी डैश में जो भी आया आपने निकाल लिया, क्वेश्चन में आएगा फाइंड रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी अलोंग ए बी एंड ए डैश बी डैश, मिनिमम एंड मैक्सिमम इंटेंसिटी अलोंग ए बी एंड ए बी डैश, यानी कि यू हैव टू कैलकुलेट आई मैक्स ऑन आई मिनिमम, दिस इज नॉट आई मैक्स, दिस इज नॉट आई मिनिमम, दिस इज आई वन एंड दिस इज आई टू, आई वन आई टू। इफ यू वॉन्ट टू कैलकुलेट आई मैक्स एंड आई मिनिमम तो आपको वो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, इसमें कौन सा वेव ऑप्टिक्स में किया था आई मैक्स अपॉन आई, बोलना जरा क्या फॉर्मूला था, हाँ ए प्लस बी ए माइनस बी का, या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूं, या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूं इसमें कि ए की जगह क्या बोलेंगे अंडर रूट ऑफ आई वन प्लस अंडर रूट ऑफ आई टू अपॉन अंडर रूट ऑफ आई वन माइनस अंडर रूट ऑफ आई टू का होल, आई वन आई टू, आई वन का मतलब ए बी की इंटेंसिटी, आई टू का मतलब ए डैश बी डैश की इंटेंसिटी, पुट कर लेना आंसर आ जाएगा अगर ऐसा पूछा हो तो। पूछा नहीं है वैसे, बता रहा हूं कि इस तरीके का क्वेश्चन आपको मिलेगा ऑब्जेक्टिव बुक्स में, बट कॉन्सेप्ट क्लियर है कि कैसे लाइट की डिस्ट्रीब्यूशन कर दी इंटेंसिटीज की। टेस्ट था नो सर, वो तो हर क्लास में था, बोल तो रहा था एक बार फिर से होगा, जाते हो रोक के तो बोला था, आप लोगों को बोला था ना कि फिर से करके आना इंटरफेरेंस, और ये भी कहा था पोलराइजेशन भी करके आना, बोला था ऐसे कैसे नहीं बोला था, पक्का बोला था, आप उठ गए थे फिर आपको पीछे से आवाज मारी थी कि रुको एक मिनट सुनते जाओ कि अब तक का सिलेबस होगा जो हमने पोलराइजेशन तक की है, कितने लोग कैरी करके आए हैं, कोई भी नहीं करके आया, ऐसे ही उठ के आ गए, छोड़ो क्या करनी तैयारी, और जबकि कहा हुआ है हर क्लास में टेस्ट होगा, रोज रोज छोड़ा नहीं जा सकता ना, लोग कहेंगे कि मान जाता है, फिर रिक्वेस्ट सारे यूनिटी कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है टेस्ट कैंसिल हो जाता है, एक दिन सारों के घर फोन हो जाएंगे तो ठीक है फिर आपकी यूनिटी टूट जाएगी, हर कोई फिर भागा भागा पढ़ के आएगा, हर क्लास में टेस्ट होगा, हर क्लास में टेस्ट होगा, मैं आपको बता रहा हूं, मेरे को ऑप्टिक्स की प्रॉब्लम पता है, मेरे से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता ऑप्टिक्स को, मैं इतने साल से पढ़ा रहा हूं, स्टूडेंट्स ऑप्टिक्स में फंसते हैं, प्रॉब्लम ये नहीं कि ऑप्टिक्स मुश्किल है, प्रॉब्लम ये कि इसका सिलेबस इलेक्ट्रोस्टैट से ज्यादा बड़ा है, और वो भी इलेक्ट्रोस्टैट तो दो महीने चला, ऑप्टिक्स एक महीना चलेगा, क्योंकि अब इलेक्ट्रोस्टैट में ऐसा होता है ना कि हम नए नए आते हैं, हम पहले ट्यूनिंग करते रहते हैं 10-15 दिन, चलो नए बच्चे हैं और चलो चल रहा है धीरे 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 धीरे, बैचेस भी पढ़ते हैं टीचर के, थोड़ा स्लो पेस पे चलते हैं, अब तो एकदम हाईएस्ट स्पीड चल रही है, इससे ज्यादा स्पीड क्या कर सकता हूँ, तो थ्योरी की स्पीड तो हाईएस्ट चलेगी, तो एकदम बहुत तेज भागेगा आप कैच ही नहीं कर पाओगे, छह केस नेक्स्ट टाइम देखना, मैं छह केस करवा दूंगा रे ऑप्टिक्स के, एकदम आप आसान है, बट जब रोज अगले लेक्चर में फिर 6 करवाऊंगा 12, फिर 6 करवाऊंगा 18, तो 18 डेरिवेशन कौन करेगा, मैं कहूंगा संडे को टेस्ट है, आपको होगा कि हम नहीं देते टेस्ट, कौन करेगा इतने डेरिवेशन, ये प्रॉब्लम है। अगर रोज टेस्ट दिए होंगे 6-6 करके तो अपने आप हर कोई टेस्ट देने आ जाएगा, ठीक है ना। इन यंग्स एक्सपेरिमेंट फ्रिंजेस आर ऑब्टेन्ड यूजिंग लाइट ऑफ वेवलेंथ गिवन, वन स्लिट इज कवर्ड विद ग्लास फिल्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.4 एंड अदर विद 1.7, एक 1.4 एक 1.7 हमने डिस्कस किया हुआ है कि अगर इंटरफेरेंस में ऊपर वाली लाइट के आगे ग्लास स्लैब रख दी जाए तो इसका पैटर्न थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, और अगर नीचे रख दी जाए तो थोड़ा नीचे शिफ्ट हो जाएगा, या दोनों में रख दी, ऊपर वाला प्रिज्म कहेगा ऊपर शिफ्ट करो, नीचे वाला कहेगा नीचे शिफ्ट करो, तो अब कहीं तो रुकेगी, तो क्वेश्चन ये है कि कहां रुकी, क्वेश्चन में गिवन है जहां फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज बननी चाहिए थी ना वहां जाके रुकी, तो पहले मुझे ये बताओ कि शिफ्टिंग का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने करवाया था y इज इक्वल टू क्या
बीटा बाय लैम्डा, हाँ म्यू माइनस वन कुछ ऐसा था, बीटा बाय लैम्डा म्यू इंटू टी, ठीक है ना, ऐसी था ना शिफ्टिंग। तो एक काम करो आप, पहले शिफ्टिंग निकालो पहली लाइट की, म्यू की वैल्यू आपने क्या पुट करनी है इसमें 1.4 कर लिया, फिर आप निकालो शिफ्टिंग किसकी, सेकेंड लाइट की, मतलब आप पहले शिफ्टिंग निकालो y1, पहले आप निकालो y1, फिर आप निकालो y2, y2 और y2 में म्यू वन, म्यू वन की जगह म्यू टू, समझ आ रहा है सबको, ये चीज समझ आ रही है कि फ्रिंज, फ्रिंजेस ऊपर शिफ्ट होगी, फ्रिंजेस नीचे शिफ्ट हो गई। तो एग्जैक्टली कहां पर आके रुकी, फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज पे आके रुकी। तो पहले उनको एडजस्ट तो करना पड़ेगा कि मैं मान लो इंटरफेरेंस पैटर्न सेंट्रल पॉइंट है, सेंटर पे था मैक्सिमा, इस तरफ से प्रिज्म रखा किसी ने, तो ये पैटर्न 15 सेंटीमीटर इधर हो गया, इधर से लाइट पे रखा तो ये पैटर्न 5 सेंटीमीटर इधर हो गया, तो अल्टीमेटली तो सेंटर पॉइंट से 10 सेंटीमीटर पे रह गया ना, ना 15 रहा ना 5 रहा, 10 पे रह गया। और ये 10वां पॉइंट को क्या बोलते हैं, फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज। तो पहले इन दोनों को माइनस करें, 15 माइनस 5 इज इक्वल टू 10, 10 इज इक्वल टू फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज, समझ आ रहा है। तो पहले मैंने y1 निकाला, मैंने y2 निकाला, दोनों को मैंने माइनस किया, दोनों में इन फॉर्मूले को माइनस कर देना, तो माइनस करके क्या आएगा आपके पास, बीटा डिवाइडेड बाय लैम्डा म्यू वन माइनस वन इंटू टी माइनस बीटा बाय लैम्डा म्यू टू माइनस वन इंटू टी। ठीक, विजिबल है प्लीज, यहां से समझ आ रहा है मैंने क्या लिखा। और इनका डिफरेंस जो भी आया, इनका डिफरेंस जो भी आया वो फाइव टाइम्स क्या आया, लैम्डा डी बाय स्मॉल डी। फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज का मतलब कि डिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज की, फाइव लैम्डा डी बाय डी। इंटरफेरेंस की फॉर्मूला याद है ना, कि अगर डिस्टेंस निकाल लो फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज का तो एन लैम्डा डी बाय डी, तो फाइव लैम्डा डी बाय डी, और लैम्डा डी बाय डी तो बीटा होता है, तो इसका मतलब ये चीज बीटा बीटा कैंसल। ठीक है, आदत यहां से सॉल्व करना, और यहां से थिकनेस टी आ जाएगा, बाकी सब कुछ गिवन है, आंसर आ जाएगा टी, जो भी आएगा बस आंसर होगा टी का। मेथड क्लियर है कि इधर से भी माइनस किया, उधर से भी माइनस किया, और माइनस करके 5 लैम्डा डी बाय डी के इक्वल पुट किया, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि इनका डिफरेंस विल बी इक्वल टू फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज। समझ आ रहा है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर है, मतलब ऐसे क्वेश्चन आते हैं जैसे मैं वो फॉर्मुला करवा रहा था कॉम्पिटिशन में, क्या आएगा ऐसा आएगा। मतलब आप लोग उस टाइम सोच रहे होंगे कि पता नहीं ये फॉर्मुला ऐसी फॉर्मुला गिवन, ऐसे नहीं है क्वेश्चन आए हुए हैं, लेकिन हाँ प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, प्रूफ के ऊपर कुछ नहीं आएगा, क्योंकि इस फॉर्मूले को यूज करके शिफ्ट कुछ दे देगा ऐसा, तो आप इसको कर सकते हो। क्या हुआ इसमें, देखो इसमें दोनों डिस्टेंसेस को माइनस करके 5 लैम्डा बाय डी थिकनेस की वैल्यू आ जाएगी यहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, क्वेश्चन है जैसे अभी हमने, ये डिफरेंट है, समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा। क्वेश्चन है मैक्सिमम इंटेंसिटी इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज आई नॉट,
डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स इज 5 लैम्डा, स्मॉल डी की वैल्यू 5 लैम्डा, स्लिट्स के बीच में डिस्टेंस. व्हाट विल बी द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ द स्लिट्स ऑन द स्क्रीन एट अ डिस्टेंस ऑफ कैपिटल डी इज 10 डी. तो अगर ये दो स्लिट्स हैं, ये स्क्रीन है, सेंट्रल पॉइंट है, तो मेरे को इंटेंसिटी निकालनी है कहां पर, इस स्लिट के एग्जैक्टली ऑपोजिट. इंटेंसिटी निकालनी है एग्जैक्टली इसके ऑपोजिट. तो अगर ये डिस्टेंस क्वेश्चन में स्मॉल डी गिवन है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, स्मॉल डी बाय 2. ठीक है ना यहां तक. तो मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी है इस पॉइंट की, स्मॉल डी बाय 2. इस पॉइंट पर इंटेंसिटी क्या होगी, इस पॉइंट पर इंटेंसिटी क्या होगी. क्वेश्चन समझ आ गया सबको, पॉइंट सबको समझ आ गया कि इंटेंसिटी कहां निकालनी है. अगर मैं आपको ध्यान से देखो, अपने मैं एक चीज बता रहा हूं, ये हम कर चुके हैं क्वेश्चन ऐसा, यहां से एक लाइट आई, यहां से आई. अगर कोई मेरे को इसका और इसका फेज डिफरेंस बता देना फाई, तो मैं ये फॉर्मूला लगा सकता हूं, आई इज आई मैक्स कॉस स्क्वायर फाई बाय 2. याद है कोरेंट सोर्सेज का फॉर्मूला था, आंसर आ जाएगा. इसका मतलब मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, फेज डिफरेंस. फेज डिफरेंस मैं निकाल लूंगा अगर आप मुझे पाथ डिफरेंस बता दो. पाथ डिफरेंस में फेज डिफरेंस निकालना कोई बड़ी बात नहीं. तो एक काम करो, जो आपका पाथ डिफरेंस है, जैसे कि अभी मैंने डायग्राम बनाया भी था, ये दो स्लिट्स थी, ये स्क्रीन है और ये पॉइंट है, और मेरा एक्सपेरिमेंट यहां पर कहीं पर हो रहा है, मेरा एक्सपेरिमेंट यहां पर कहीं पर हो रहा है कुछ ऐसे. तो इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि ये डिस्टेंस कितना स्मॉल, डी बाई 2. ठीक है यहां तक. और ये डिफरेंस स्मॉल डी बाई 2 है, और मुझे क्या निकालना है, पाथ डिफरेंस. ठीक, मेरा एक्सपेरिमेंट यहां पर हो रहा है, और हम इस डिस्टेंस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स से, स्क्रीन सेंटर पॉइंट से. कोई भी डिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल एक्स. एनी डाउट, उट किसी को इसमें, सेंट्रल पॉइंट से कोई भी पॉइंट का डिस्टेंस इज एक्स. तो इसका मतलब क्या हुआ कि पाथ डिफरेंस, याद है मैं डेरिवेशन की थी एक्स डी वाई टी, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, वो दो आप तैयारी करके आए थे, इंटरफेरेंस दो डिस्टेंसेस को माइनस करते हैं, और जब दो डिस्टेंस को माइनस करते हैं तो उस केस में एक्स डी वाई टी आता है, और हम कंडीशन लगाते हैं एक्स डी वाई डी एन लैम्डा, तो कंस्ट्रक्टिव है एंड सो ऑन. तो एक्स डी वाई डी आपका पाथ डिफरेंस है, और पाथ डिफरेंस इस केस में मुझे निकालना है. हाँ, x मैं आपको बता सकता हूं, क्वेश्चन में आपको x की वैल्यू पता है, x की वैल्यू कितनी कितनी पुट करनी है, स्मॉल डी बाई 2, क्योंकि एक स्लिट के एग्जैक्टली ऑपोजिट एक्सपेरिमेंट हो रहा है, स्मॉल डी बाई 2. स्मॉल डी की वैल्यू गिवन है कितनी, 5 लैम्डा, कैपिटल डी की वैल्यू गिवन है 10 डी. क्वेश्चन में कितना सब कुछ है, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है. पाथ डिफरेंस मैंने लगा लिया, x मैंने डायग्राम से निकाल लिया कि हाँ एक स्लिट के ऑपोजिट है, तो इसका मतलब स्मॉल डी बाई 2, एक्स की जगह स्मॉल डी बाई 2. स्मॉल डी की वैल्यू मुझे गिवन है क्वेश्चन में कितनी, 5 लैम्डा, तो स्मॉल डी की जगह 5 लैम्डा, कैपिटल डी गिवन है क्वेश्चन में 10 डी, डी का मतलब 5 लैम्डा यानी कि 50 लैम्डा. तो जब मैंने यहां पुट किया, सारी वैल्यूज पुट की, मेरे पास आंसर क्या आ गया, लैम्डा बाय 4. ये पॉइंट सबको क्लियर है, मेरे पास आंसर लैम्डा बाय 4 आ गया सॉल्व करने के बाद. लैम्डा कॉरस्पॉन्ड्स टू फेज डिफरेंस ऑफ 2 पाई, तो लैम्डा की जगह क्या पुट कर दिया, 2 पाई, तो क्या आ गया, फेज डिफरेंस. लैम्डा बाय 4 का फेज डिफरेंस कितना आ गया, पाई बाय 2. लगा दिया फॉर्मूला, आई इज आई नॉट कॉस स्क्वायर फाई बाय 2. और प्लीज मेंशन कर लें, आई नॉट का मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था कि क्वेश्चन में मैक्सिमम इंटेंसिटी आई मैक्स की वैल्यू कितनी लेनी थी, आई नॉट. आंसर मेथड क्लियर है आदित्य, समझ आ रहे हैं यहां तक. ये कॉम्पिटिशन का क्वेश्चन है, मतलब इस तरीके का जिसमें वो आपको ये फॉर्मूला भी चेक कर रहे हैं, फेज डिफरेंस भी चेक कर रहे हैं, एक्स डी बाई डी भी चेक कर रहे हैं, तीन चीजें उसमें चेक कर ली. ये एग्जैक्टली कोई बहुत ज्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं आते, वो छोटी छोटी चीजें हैं जो इसमें इस तरीके की आई हुई क्वेश्चन चीजें. ठीक है ना यहां तक, मेथड सबको क्लियर है, इच्छित प्रभजोत सबको समझ आ रहा है, अभिषेक
glass slab of thickness 8 cm contains same number of waves as 10 cm of water. मतलब ग्लास में 8 सेंटीमीटर थिकनेस है, वाटर की 10 सेंटीमीटर थिकनेस है, नंबर ऑफ वेव्स दोनों में सेम है. तो इसमें मैं ऐसा कर सकता हूं और मुझे निकालना क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर गिवन है, ग्लास का निकालो. तो सबसे पहली चीज, नंबर ऑफ वेव निकलेंगी कैसे, थिकनेस को लैमडा से डिवाइड कर दें. लैमडा का मतलब एक वेव की वेव लेंथ. तो जितनी भी थिकनेस में वेव बन रही है उस थिकनेस को वेव लेंथ से डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ वेव्स आ जाएंगे. तो ग्लास में कितनी नंबर ऑफ वेव्स आई, लैम्डा डिवाइडेड 8 सेंटीमीटर ग्लास की थिकनेस गिवन है डिवाइडेड बाय लैम्डा ऑफ जी, लैम्डा ऑफ ग्लास. वाटर में थिकनेस कितनी है 10 सेंटीमीटर और वेवलेंथ कितनी है लैम्डा डब्ल्यू. तो इन दोनों को डिवाइड करें, 10 डिवाइडेड बाय लैम्डा वाटर, तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, नंबर ऑफ वेव्स इन वाटर. पॉइंट क्लियर है यहां तक, और दोनों सेम है. क्वेश्चन में गिवन है कि नंबर ऑफ वेव्स वाटर में और ग्लास में एग्जैक्टली सेम है. तो मैंने इन दोनों को क्या कर दिया, इक्वेट किया. तो लैम्डा ऑफ वाटर लैम्डा ऑफ जी की 5.4 रेशियो आ गई. याद है, क्लियर है, नंबर ऑफ वेव से लैम्डा की रेशियो आ गई. अब मुझे एक चीज मालूम है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास. म्यू वाटर स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर. ठीक है ना यहां तक. तो मैं इस म्यू जी और म्यू डब्ल्यू को डिवाइड करूं तो मेरे पास ये रेशियो आती है. ठीक, डिवाइड करके ये रेशियो आ जाएगी. ठीक है ना यहां तक. और वेलोसिटी इज म्यू लैम्डा, वेलोसिटी इज म्यू लैम्डा, तो ये मेरे पास म्यू की रेशियो आ गई जो कि कितनी है 5/4. 5/4 क्यों, 5/4 इसलिए क्योंकि न्यू से न्यू कैंसिल और मेरे पास लैम्डा की रेशियो ऑलरेडी गिवन है 5/4. मैं यहां पर पुट करता हूं 5/4 आ जाएगा. तो यानी कि म्यू की क्या आ गई, दोनों की रेशियो. समझ आ गया यहां तक, म्यू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, वहां से म्यू की रेशियो आ गई. म्यू की रेशियो आ गई तो आंसर आ गया, क्योंकि वाटर का म्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, आपको ग्लास का म्यू निकालना है, मल्टीप्लाई करो आंसर आ जाएगा. ठीक, कोई डाउट इसमें, समझ आ रहे हैं, एनी डाउट. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन है, टू आइडेंटिकल कोरेंट सोर्सेज प्लेस्ड ऑन डायमीटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस आर एट सेपरेशन एक्स सिमेट्री के अबाउट से, मैं आपको डायग्राम से समझाता हूं। आपको यह बताना है, सपोज ये एक सर्कल है और ये दो सोर्सेज हैं, एक S1 और एक S2, ठीक। और सपोज दो सोर्सेज से लाइट सर्कमफ्रेंस पे मिल रही है, कैसे, वेव यहां से भी आएगी, वेव यहां से भी आएगी, वेव यहां पे आएगी, ऐसे भी आएगी, ऐसे भी जाएगी, ऐसे भी जाएगी, नीचे भी, इस तरफ भी, इस तरफ भी, इस, बहुत सारे ऐसे केस बनेंगे, ठीक। तो स्क्रीन सर्कमफ्रेंस है, आपको बताना है इसमें कि अगर ओके नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन अ सर्कल विद मैक्सिमम इंटेंसिटी इज व्हाट। अगर आपको x की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है कि दो सोर्सेज कितने डिस्टेंस में सेपरेटेड हैं एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 लैम्डा, लेट से दो सोर्सेज आर सेपरेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 लैम्डा, तो कितने पॉइंट सर्कमफ्रेंस पे आएंगे जो मैक्सिमा के होंगे। मेरे पास तो एक ही तरीका है मैक्सिमा मिनिमा निकालने का, और वो है पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस अगर n लैम्डा तो मैक्सिमा, तो पाथ डिफरेंस निकाल लें। मान लो एक मिनट के लिए कि अगर ये सर्कल है और सपोज एक वेव यहां से निकल रही है, सपोज करो इसमें और इसमें कितना पाथ डिफरेंस होगा, अगर मैं निकालूं 90 डिग्री है और सपोज करो ये एंगल कितने है थीटा, जो कि क्वेश्चन में गिवन है, थीटा एंगल गिवन है, कोई डाउट किसी को इसमें, तो अगर ये एंगल थीटा गिवन है तो उस केस में आप इसका, ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये और ये, इसका पाथ डिफरेंस निकाला जाए तो ये पाथ डिफरेंस आएगा जो मैं डार्क कर रहा हूं पर पेंडिकुलर ड्रॉ करके, पाथ डिफरेंस कितना होगा। अगर मैं, वैसे मुझे निकालना है S1 और S2 का है, S1 S2 का है, पर मैं अगर इसका इसका निकालूं तो मेरे पास एक तरीका है पाथ डिफरेंस निकालने का, हमने डिफ्रैक्शन में भी किया था, ड्रॉ पर पेंडिकुलर, ये डिस्टेंस कितना हुआ x बाय टू, और ये साइड अगर निकालनी है तो cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू व्हाट, ये पार्ट डिफरेंस मान लो y है, y डिवाइडेड बाय x बाय टू, तो y की वैल्यू क्या जाएगी x बाय टू इंटू cos ऑफ थीटा। सबको यहां तक क्लियर है, डिफ्रैक्शन के अंदर भी किया, फिर देख लो एक बार। मैं इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, मेरे को ये डिस्टेंस निकालना है जिसको पार्ट डिफरेंस मैं बोल रहा हूं, ये एंगल थीटा गिवन है आपको थीटा, ये आपको x बाय टू गिवन है, ये आपको y गिवन है, लेट से y पार्ट डिफरेंस, और आपको y और x बाय टू में रिलेशन निकाल के y की वैल्यू आपने निकाल दी, लेकिन ये पार्ट डिफरेंस तो इसका और इसका है, तो ऑब्वियसली इसका और इसका पार्ट डिफरेंस डबल हो जाएगा। डिफ्रैक्शन में ऐसे किया था ना, पहले आधे का निकाला फिर टू टाइम्स करके डबल निकाल दिया, तो ऑब्वियसली अगर मैं इसका और इसका पार्ट डिफरेंस पूछूं तो एक्स बाय टू कॉस थीटा को आपने क्या कर देना है डबल, तो आंसर क्या आएगा एक्स कॉस थीटा। नहीं तो ऐसे मत करो, ऐसे कर लो आप ये परपेंडिकुलर आगे तक ले जाओ, यू हैव टू फाइंड दिस पार्ट डिफरेंस। वो बात एक ही है, जैसे मर्जी कर लो, एक्सट्रीम एंड्स के साथ काम करना है या दो बार करना है, एक ही बात है। जैसे डिफ्रैक्शन में किया था ना हमने, सीधा पार्ट डिफरेंस ए बाय टू भी किया था, सॉरी ए साइन थीटा भी किया था, और आधी आधी स्लिट को लेकर ए बाय टू साइन थीटा को डबल भी करके देखा था, एक ही बात है। क्लियर यहां तक? तो मैंने यहां पर पार्ट डिफरेंस की वैल्यू निकाल दी आपको, कि पार्ट डिफरेंस की वैल्यू अगर आप सॉल्व करोगे तो पार्ट डिफरेंस की वैल्यू आपके पास आने वाली है, पार्ट डिफरेंस की वैल्यू आएगी आपके पास x cos थीटा, यानी कि x by 2 cos थीटा का डबल, x by 2 cos थीटा का डबल, यानी कि x cos थीटा। कर लिया? आपको मैक्सिमा के पॉइंट्स निकालने हैं तो पुट दिस पार्ट डिफरेंस इज इक्वल टू n लैम्डा। अगर आपको मैक्सिमा निकालना है देखिए पार्ट डिफरेंस की वैल्यू आपको क्या पुट करनी है, हमेशा n लैम्डा, तभी पॉइंट्स आएंगे। याद क्लियर है? अब आपने इसको n लैम्डा जब पुट किया तो cos थीटा की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, n लैम्डा बाय x, cos थीटा इज नेवर ग्रेटर देन 1, ऑब्वियसली ये 1 से ग्रेटर नहीं होता, हाँ पर इक्वल टू हो सकता है, मैं इक्वल टू के केस अभी लूंगा, तो दिस इज नॉट ग्रेटर देन 1, n लैम्डा बाय x इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 1, से बोल रहा हूं ना, cos थीटा की जगह n लैम्डा बाय x किया, ठीक, या फिर यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके n इज नेवर इक्वल टू x बाय लैम्डा एंड कैन नॉट बी इक्वल टू x बाय लैम्डा। x की वैल्यू आपको कितनी क्वेश्चन में गिवन है 5 लैम्डा, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, यानी कि n कैन नॉट बी ग्रेटर देन 5, तो इसका मतलब एक और चेक की थी
एक वैल्यू चेक की कि इसमें जो एंगल थीटा था दैट वाज लेस देन 90। फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है इसमें, जो एंगल था वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है। अब चेक कर लो चाहे, जो हमने केस लिया वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए लिया है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए मेरे पास ऐसे कितने पॉइंट्स आते हैं, 1, 2, 3 और 4, चार नॉट ग्रेटर देन 5। 5 लेना है 5 ले लो, एक ही बात है। चलो नॉट ग्रेट मीन्स 5 को उसने इंक्लूड कर लिया, एक ही बात है, क्योंकि वैल्यू 1 तो हो सकती है, कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कैन बी 1, हम वो केस ले सकते हैं। तो 5 ऐसे पॉइंट्स आएंगे जो 5 से बड़े नहीं होने चाहिए, पर 5 के इक्वल तो हो सकते हैं। 5 पॉइंट्स आ गए और कितने क्वाड्रेंट्स है टोटल, 4। इसका मतलब क्या हुआ, 4 × 5 20 ऐसे पॉइंट्स आएंगे 4 क्वाड्रेंट्स में, जहां पर हमेशा क्या होगा, मैक्सिमम मैक्सिमम होगा। आइडिया क्लियर है यहां तक, जिसमें हमने कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया। तो हमने इसमें एन की वैल्यू हमने निकाल ली, शुड नॉट बी ग्रेटर देन 5 बट कैन बी इक्वल टू 5। चाहे आप ऐसा भी कर सकते हो, नहीं मैं इक्वल टू लगा नहीं सकता, मैथ्स वाले समझ सकते हैं, इक्वल टू लगा दूंगा तो नॉट इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 5 नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें इक्वल टू का केस भी लॉस हो जाएगा। ये ठीक किया बिल्कुल, मेथड क्लियर है यहां तक। फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए 5 पॉइंट्स आए, 4 क्वाड्रेंट्स के लिए 4 × 5 20 पॉइंट्स आएंगे। कोई डाउट किसी को इसमें, समझ आ रहा है यहां तक? ठीक ठीक है, नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू रखेंगे, नेक्स्ट टाइम तैयारी करके आना टेस्ट की।